हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 अगस्त और आज के वीडियो में 19 अगस्त 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच सुल्तान हैड इंट्रोड्यूस्ड घराई एंड चराई टैक्स। ये कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने घराई और चराई नाम के दो टैक्स लेवाई करे थे? ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घराई और चराई टैक्स लेवाई किए थे लोगों पर। घराई जो था ये हाउस टैक्स था और चराई था जो पशुओं को चरने के लिए चारा दिया जाता था उस पर चराई टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी सबसे इफेक्टिव सुल्तान था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज है टर्किश, तुर्की लैंग्वेज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर डेडिकेशन। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेशन, जिसमें हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड इन 14th वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019। अभी 14वां संस्करण हुआ है वर्ल्ड एजुकेशन समिट का, इसमें कौन से राज्य को अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान को बेस्ट एजुकेशन स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जर्नलिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड विद प्रेम भाटिया अवार्ड। अभी हाल ही में भारत के कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको प्रेम भाटिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रेम भाटिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजदीप सरदेसाई को। इनका नाम है राजदीप सरदेसाई। इनको आपने टीवी पर बहुत बार देखा होगा और इंग्लिश में एंकरिंग करते हैं ये। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2019। ये आज की बड़ी न्यूज है, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, इनका नाम है दीपक पुनिया। ठीक है, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। दीपक पुनिया ने रशिया के खिलाड़ी जिनका नाम है अलिक सेवजुकोव, इनको हराया। और ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई, तो ये हुई थी एस्टोनिया में। एस्टोनिया, एस्टोनिया एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है टेलिन, TALLIN, टेलिन। ठीक है, टेलिन कैपिटल है किसकी? एस्टोनिया की। एस्टोनिया में हुआ वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जिसमें भारत के दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड Uber for tractors app for farmers। किसानों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है Uber for tractors। ये ऐप कौन से मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? ये ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने। ठीक है, और इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब आपको बताऊं इस ऐप का काम क्या है। देखिए, ऐसे किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है या फिर फसल उगाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, महंगे इक्विपमेंट्स ये काफी आते हैं, अगर किसी भी तरीके का इक्विपमेंट नहीं है तो अब ये रेंट पर सारे इक्विपमेंट ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, Uber for tractors, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ट्रैक्टर्स और भी जितने भी इक्विपमेंट हैं जो कि कृषि में यूज किए जाते हैं वो सारे आपको रेंट पर मिल जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल रेट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीनियर एंकर एंड जर्नलिस्ट ऑफ दूरदर्शन हैज पास्ड अवे। ये कौन है जो कि सीनियर एंकर थी और जर्नलिस्ट थी दूरदर्शन की, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है नीलम शर्मा। तो नीलम शर्मा जी का निधन हो गया, कैंसर से ये पीड़ित थी, इस वजह से इनकी डेथ हो गई अभी हाल ही। और अगर दूरदर्शन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन को एस्टैब्लिश किया गया था 1959 में और इसकी टैगलाइन तो आप लोगों ने सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई स्टेप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने ई स्टेप प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है? ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, इसके तहत राज्य के स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप दी जाएगी राज्य की कंपनीज में। ठीक है, तो ये ई स्टेप प्रोग्राम लॉन्च किया है कर्नाटका सरकार ने। कर्नाटका में अभी नई सरकार आई है, पहले यहां पर HD कुमार स्वामी की सरकार थी। HD कुमार स्वामी की सरकार अभी पिछले महीने गिर गई और बीजेपी ने नई सरकार बनाई है BS येदुरप्पा के साथ। तो BS येदुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। BS येदुरप्पा ने ई स्टेप प्रोग्राम लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और मध्य प्रदेश में सरकार है कमलनाथ की, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और सिक्किम में किसकी सरकार है? प्रेम सिंह तमांग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी इज गोइंग टू कंडक्ट अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलन, इन विच प्लेस। इंडियन नेवी ने अनाउंस किया कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे जिसका नाम होगा मिलन। ये कहां पर होगी कंडक्ट? ये कंडक्ट होगी ईस्टर्न नेवल कमांड में, मतलब विशाखापत्तनम में। लेकिन ये कब होगी? ये 2019 में नहीं है, ये अभी काफी दूर है, मार्च 2020 में होगी ये एक्सरसाइज। और इंडियन नेवी का स्लोगन क्या है? शम नो वरुणा। इंडियन नेवी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। और नेवी के हमारे एडमिरल कौन है इस टाइम पे? करमवीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 9-year-old इंडियन बॉय हैज क्लाइम्ड अफ्रीकाज हाईएस्ट पीक माउंट किलीमंजारो। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है, मात्र 9 साल का भारतीय बच्चा है जिसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को समिट कर लिया है, किलीमंजारो को। तो ये है, इनका नाम है अद्वैत भारतीय। क्या नाम है? अद्वैत भारतीय। अद्वैत भारतीय रहने वाले हैं पुणे के, और इन्होंने किलीमंजारो को समिट कर लिया है। किलीमंजारो की हाइट कितनी है? 5,895 मीटर इसकी हाइट है किलीमंजारो की। और आपको पता है, मात्र 7 दिनों में यह बच्चा चढ़ गया पूरी पीक पर। ओके, सो इनका नाम ध्यान रखिएगा, अद्वैत भारतीय। अद्वैत भारतीय ने किलीमंजारो को समिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विलेज वॉलंटियर्स स्कीम। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने विलेज वॉलंटियर स्कीम्स लॉन्च करी है? ये है आंध्र प्रदेश की सरकार। आंध्र प्रदेश में YS जगमोहन रेड्डी की सरकार अभी हाल ही में नई बनी है। अब देखो, विलेज वॉलंटियर स्कीम का मतलब क्या है, सिस्टम इसका मतलब क्या है? हर गांव से एक वॉलंटियर बनाया जाएगा। ठीक है, अब एक ये वॉलंटियर, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा 50 फैमिलीज की देखभाल करना। एक एक वॉलंटियर पर 50-50 फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 50 फैमिलीज को किसी भी तरीके की किसी भी स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई किसी भी स्कीम्स का अगर लाभ नहीं मिल रहा है, तो इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस वॉलंटियर की होगी, और इस वॉलंटियर को पैसा देगी स्टेट गवर्नमेंट। समझ आई बात? इसी तरीके से भारत सरकार एक और स्कीम चलाती है जिसको बोलते हैं महिला वॉलंटियर स्कीम। ये विमेन वेलफेयर के अंतर्गत आती है। महिला वॉलंटियर का मतलब क्या है? हर गांव से एक महिला नियुक्त करी जाती है और उसे महिला वॉलंटियर बनाया जाता है। महिला वॉलंटियर जो होगी, इसका काम यह रहता है कि गांव में देखते रहना किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस महिला के पास डायरेक्ट नंबर होता है सर्किल इंस्पेक्टर का, और इसको कॉल करके सर्किल इंस्पेक्टर को बताना इसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए इसको पर मंथ 1,000 रुपए दिए जाते हैं। ये गुप्त रूप से बात रखी जाती है, किसी को बताया नहीं जाता है गांव में कि महिला वॉलंटियर किसको बनाया गया है। अगर बता दिया जाएगा तो लोगों से उसकी दुश्मनी हो सकती है और वो ठीक से काम नहीं कर सकती है, उसके काम में बाधा आ सकती है। इस वजह से महिला वॉलंटियर के बारे में गाँव में बताया नहीं जाता है। ओके, और केरला में सरकार है पिनाराय विजयन की, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू ट्राइफरकेट विच डिस्ट्रिक्ट। ट्राइफरकेट का मतलब समझते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया है, मतलब कि दो भागों में विभाजित किया गया है, उसी तरीके से ट्राइफरकेट का मतलब है तीन भागों में विभाजित करना। तो तमिलनाडु सरकार ने अनाउंस किया है कि अपने किस डिस्ट्रिक्ट को तीन भागों में विभाजित कर देंगे। तो ध्यान रखिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ई के पलानी स्वामी ने अनाउंस किया है कि ये वेल्लोर को तीन भागों में विभाजित कर देंगे। एक तो वेल्लोर रहेगा, दूसरा पार्ट कहलाएगा तिरुपत्तूर, और तीसरा भाग कहलाएगा रानीपेत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि भारत के किस डिस्ट्रिक्ट को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो वेल्लोर को तीन भागों में बहुत ही जल्द विभाजित कर दिया जाएगा। पहला होगा वेल्लोर, दूसरा होगा तिरुपत्तूर, और तीसरा होगा रानीपेत, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ई के पलानी स्वामी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आज के। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब सुनिए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन यही है, आपको बताना है कि जब ये डिस्ट्रिक्ट तीन भागों में विभाजित हो जाएगा तो टोटल मिलाकर तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे। आज का क्वेश्चन यही है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। और जो लोग आन अकेडमी पर मेरे लाइव कोर्सेज करना चाहते हैं, मैं करंट अफेयर की क्लासेस लेता हूँ सुबह 8 से 9, और डेली शाम को 6:30 से 7:30, और GS का क्रैश कोर्स चलता है 12 बजे से। तो अगर आप ये क्लासेस लेना चाहते हैं, आप GS आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पर, ये है वरुण777। इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।